नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आम आदमी पार्टी ने जिला संगठन मंत्री के साथ कार्यपालन मंत्री विद्युत विभाग मेहर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान उन्होंने बताया कि इस समय पूरे क्षेत्र में बिजली के बढ़े हुए बिल सामने आ रहे हैं। सिंगल बत्ती कनेक्शन वालों के भी इस महीने 300 रुपए तक के बिल आए हैं। कार्यपालन मंत्री द्वारा बताया गया कि मीटर रीडिंग के कारण ऐसा हो रहा है, पर अधिकांश जगह ऐसा मामले नहीं है। सिंह ने बताया कि भाजपा सरकार के पास राजस्व की कमी है। सरकार के पास पहले से इतना कर्जा हो चुका है, केंद्र से उन्हें कुछ मदद नहीं मिल रही है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, तो पैसा आएगा कहां से? इसलिए जनता को निचोड़ो, आम जनता को बढ़े हुए बिल पकड़ा दो। अगर इनसे 50% जनता ने बढ़े हुए बिलों का भुगतान कर दिया तो हमारे पास कुछ तो राजस्व आ जाएगा, वरना सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा हो जाएगा। दूसरी समस्या यह है कि अधिकांश जगहों के ट्रांसफर पर जले हुए हैं। लोग आज महीनों से दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तीसरी समस्या यह है कि सरकार ने राजस्व बढ़ाने का एक और नया तरीका कर लिया है। इस समय खेती सर पर है, किसान भाई बिजली विभाग की टीसी के चक्कर लगा रहे हैं। अगर उन्हें 1 HP की जरूरत है तो सरकार के दबाव में विभाग उन्हें 3 HP की टीसी दे रहा है। अगर 3 की जरूरत है तो 5 HP की दे रहा है और जबरन उस बड़े हुए HP का पैसा ले रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर विभाग का इसी तरह मनमानी रवैया रहा तो दिवाली बाद पार्टी एक बड़ा जन आंदोलन करेगी। सर, आम आदमी पार्टी के द्वारा आपको ज्ञापन सौंपा गया, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी कुछ समस्याएं बताया है, 2-3 गाँव में नोट किए हैं, उनको मैं लिखवा लेता हूँ और जल्दी मैंने जो अकाउंट करवाता हूँ, पहले चेक करवा लेता हूँ। सच हमारे अधिकारी हैं विभाग में, कितने दिन में कार्रवाई हो जाएगी सर? इनको जल्दी ही जैसे जो जिस स्तर के हैं समस्या उस स्तर का निराकरण कर देंगे। उनको मेहर से प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।